उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना बडगांव पुलिस द्वारा राजेश नामक युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बारे में एसपी देहात सूरज राय ने बताया है कि गत दिनों राजेश के घर की बिजली कट जाने पर राजेश ने विद्युत विभाग के जेई को जान से मारने की, गर्दन काटने की धमकी दी थी, जिसकी जानकारी होने पर एसएसपी सहारनपुर ने राजेश नामक युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। क्षेत्र अधिकारी देवबंद के प्रयास से थाना बडगांव पुलिस राजेश को आज दिल्ली से गिरफ्तार करके लाई है, जिसको जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि उपरोक्त समाचार डीबी भारती में प्रमुखता के साथ प्रसारित हुआ था। देखिए, ये कुछ दिन पहले थाना बडगांव के संज्ञान में एक ऑडियो आया, जिसमें एक राजेश नाम के व्यक्ति के द्वारा विद्युत विभाग के एक जूनियर इंजीनियर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके साथ गाली गलौज की जा रही थी, उनको धमकियां दी जा रही थी एवं अन्य व्यक्तियों के बारे में भी भला बुरा कहा जा रहा था। मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना बड़गांव पुलिस ने धारा 353, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया और जानकारी की तो पता चला कि जो विद्युत विभाग का कर्मचारी है जी, इसने बिल ना पे करने के कारण इनका कनेक्शन काटा था। इस वजह से ये अभद्र व्यवहार कर रहे थे और उसको सरकारी का उसके कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें कल रात हमारी टीम ने दिल्ली से इस अभियुक्त को, जिसका नाम राजेश है, इसको गिरफ्तार किया है और इनको जेल भेजा जा रहा है विधिक कार्रवाई करते हुए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।